रोहतक में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच रोहतक पीजीआई के 45 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए। इनमें 10 डॉक्टर हैं। अब तक पीजीआई के 96 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं संक्रमित हुए कर्मचारियों की संख्या 306 पहुंच गई है। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर एसएस लोचब ने लोगों से यह अपील की है कि जरूरी होने पर ही घरों से निकले और बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। गुरुग्राम में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को गुरुग्राम में 3,339 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए। साथ ही गुरुग्राम में कोविड के एक्टिव केस की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 1,621 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं कोरोना के नए वेरियंट के बढ़ते असर को देखते हुए टेस्टिंग अभियान की रफ्तार तेज की गई है। पिछले 24 घंटे में 13,049 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के दौरान 3,349 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। गुरुग्राम जिला में अब तक 1,90,793 लोग कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं और अब जिला में 19,266 कोविड मरीज एक्टिव हैं। इनमें से 19,111 होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। केसेस में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। ये माइल्डर वेरिएंट जरूर है, लेकिन इसकी जो फैलने की ताकत है, शक्ति है, वो हमें मालूम है कि तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है पहले के मुकाबले। और अभी एनसीडीसी ने भी कहा है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इसी वेरिएंट के हैं, जहाँ इनिशियली अगर रेशो 30-70 था, अब रेशो रिवर्स हो गया, तो मैक्सिमम केसेस संभवतः इसी वेरिएंट के हैं। और इसमें स्पाइक जो है वो काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। अभी हम 3,000 के आसपास केस रिपोर्ट कर रहे हैं। संभवतः आने वाले दिनों में हो सकता है हम इससे ज़्यादा भी और 5,000 या उससे भी ज़्यादा केस रिपोर्ट कर सकते हैं।